अभी घूमती गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों के विकेट की गिल्लियां उड़ाने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया आजकल भारत के सो कॉल्ड लिबरलों की गिल्लियां उड़ाने में लगे हुए हैं। खुद को कट्टर सनातनी हिंदू बताने वाले दानिश कनेरिया ने सबसे पहले तो खुद को भारतीय कहने में शर्मिंदा महसूस करने वाली मोदी विरोधी पत्रकार आरफा खानम की क्लास लगाई और उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता भेज दिया। तो वहीं अब यूपी की समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पाकिस्तानी खिलाड़ी आफरीदी के हमदर्द यासिर शाह को याद दिला दिया कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि यूपी में आपके अब्बू योगी आदित्यनाथ हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। ऐसे इस्लामी मुल्क में ज्यादातर हिंदुओं का जहां जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, तो वहीं जो हिंदू बच गए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जो दानिश कनेरिया 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए खेले और 250 से ज्यादा विकेट लिए, उस दानिश कनेरिया को भी पाकिस्तानी मुसलमानों ने नहीं बख्शा। साजिशें रचकर उनका करियर ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुओं से कितनी नफरत है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तो सिर्फ इसलिए टीवी तोड़ दिया था क्योंकि उनकी बेटी टीवी देखकर आरती करना सीख रही थी। लेकिन ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और टीवी ही तोड़ दिया। इसी घटना की याद दिलाते हुए दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट में लिखा, शाहिद अफरीदी ने टीवी इसलिए तोड़ दी क्योंकि उनकी बेटी पूजा कर रही थी। जरा सोचिए, अगर वो अपनी मासूम बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता होगा। पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपनी आपबीती बताई और पाकिस्तान के ही क्रिकेटर को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन तकलीफ भारत में बैठे सपाई नेता यासिर शाह को होने लगी, जिन्हें अखिलेश यादव ने कभी अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। उन्हें पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी का अपमान लगता है बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया को जवाब देते हुए लिखा, तुम बच गए क्योंकि तुमने उसे उसकी बेटी की तरह अब्बू नहीं कहा, क्या तुमने ऐसा किया। सपाई यासिर शाह का ये ट्वीट देखकर समझ सकते हैं कि उनके अंदर मुस्लिम खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के लिए कितना प्यार भरा है और एक हिंदू खिलाड़ी के लिए कितनी नफरत भरी है, जबकि दोनों का रिश्ता पाकिस्तान से है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीड़ित हिंदू खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ खड़ा होने से बेहतर शाहिद अफरीदी के साथ खड़ा होना बेहतर समझा। इसी बात से दानिश कनेरिया इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सपा नेता यासिर शाह को सीएम योगी की याद दिलाते हुए कह दिया, मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास भगवान राम का आशीर्वाद है, आप अपना ख्याल रखना क्योंकि यूपी में आपके अब्बू योगी आदित्यनाथ हैं। दानिश कनेरिया के ट्वीट के बाद दोबारा यासिर शाह का कोई जवाब नहीं है और जो ट्वीट उन्होंने शाहिद अफरीदी को लेकर किया था वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया, जिस पर दानिश कनेरिया ने एक और ट्वीट में कहा, पहले तो उन्होंने रिप्लाई देने के ऑप्शन को बंद किया और फिर ट्वीट भी डिलीट कर दिया। इसे थूक कर चाटना कहते हैं। जिस पर सपा नेता यासिर शाह ने एक और ट्वीट में अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने ट्वीट किया था कि आप बच गए क्योंकि आपने उसे अब्बू नहीं कहा, बाकी सभी की तरह आपने भी इसे गलत लिया। मेरा मतलब था कि आप अफरीदी के सामने नहीं झुके, वैसे भी इसलिए मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। यासिर शाह के ट्वीट पर दानिश कनेरिया ने उन्हीं का पुराना ट्वीट शेयर किया, जिसमें यासिर शाह ने लिखा था, पाकिस्तानी चाहे दानिश हो चाहे हो कनेरिया, मेरे कमरे का अटैच टॉयलेट है इन सब का एरिया। यासिर शाह ने इस पुराने ट्वीट पर दानिश कनेरिया को जवाब देते हुए कहा, तुम पाकिस्तानी हो ना और मैं पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ, भले ही आपका धर्म कुछ भी हो। सोशल मीडिया पर दानिश कनेरिया ने जब पोल खोलनी शुरू की तो सपाई नेता यासिर शाह कहने लगे, मैं पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ, भले ही आपका धर्म कुछ भी हो। लेकिन वो शायद भूल गए कि अपने ही एक ट्वीट में वो अफरीदी के टीवी तोड़ने का बचाव करते हुए नजर आए थे और दानिश को कहा था कि तुम बच गए क्योंकि तुमने शाहिद अफरीदी को अब्बू नहीं कहा, जिस पर दानिश कनेरिया ने भी जवाब दिया कि मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास भगवान राम का आशीर्वाद है, आप अपना ख्याल रखना क्योंकि यूपी में आपके अब्बू योगी आदित्यनाथ हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चली जुबानी जंग के बीच आपको बता दें, दानिश कनेरिया पाकिस्तान के दिग्गज हिंदू क्रिकेटर हैं, उनके नाम
टेस्ट में 261 जबकि वनडे में 15 विकेट हैं। तो वहीं सपा नेता याशिर शाह की बात करें तो वो बहराइच के दिग्गज नेता हैं। इसी जिले की मटेरा सीट से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार साल 2012 में कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर विधायक बने, दूसरी बार साल 2017 में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर विधायक बने, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से यासिर शाह ने अपनी पत्नी मारिया अली शाह को लड़ाया था, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, यूपी में जब अखिलेश सरकार थी तो यासिर शाह को मंत्री भी बनाया गया था। इतने कद्दावर नेता ने जिस तरह से पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी का बचाव करते हुए दानिश कनेरिया पर जुबानी हमला किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।